अरे कहाँ हो? हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है आप सब स्वस्थ और मस्त होंगे। मैं हर्षित आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने YouTube चैनल। ये चाय कॉफी आइए। तो दोस्तों, चिड़ियाघर तो अभी मैं आपको अंदर ले ही चलूंगा, पहले मैं चाय पी रहा हूँ। और ये चाय बनाई है अनिल साहू साहब ने। तो जब कभी आप आए, इनके हाथ की बनी चाय जरूर पिए, काफी स्वादिष्ट है, एकदम अदरक से भरी हुई और प्यार से भरी हुई, पीजिएगा जरूर, ठीक है? मैं हूँ लखनऊ के चिड़ियाघर में। जी हाँ, नवाब वाजिद अली शाह प्राणी उद्यान, काफी पुराना चिड़ियाघर है ये। आज मैं आया हूँ यहाँ घूमने टहलने के लिए, आपको भी यहाँ के अच्छे अच्छे नज़ारे दिखाऊंगा। प्लीज कहीं जाइएगा नहीं, रहिएगा मेरे साथ। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज भी सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है? आइए चलते हैं। यहाँ का टिकट भी काफी सस्ता है, 5 से 12 साल बच्चों के लिए 40 रुपए टिकट है, उसके ऊपर वालों के लिए 80 रुपए, और अलग से अगर आप वीडियो कैमरा लाना चाहते हैं वीडियो शूट करने के लिए तो मात्र 100 रुपए शुल्क है इसका। लेकिन लगता है पप्पर शेर उठने के मूड में है, काफी देर से यहाँ खड़े हैं लेकिन वो भाई साहब सो रहे हैं तो सो ही रहे हैं। चलिए आगे चलते हैं और भी जानवरों को दिखाएंगे फिर। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये है यहाँ का संग्रहालय। आज ये बंद है, अभी ये बंद है, किस कारण से ये बताया नहीं गया है। एक एम्प्लॉय अंदर टहल रहे थे, मैंने उनसे कारण पूछा तो वो भी ना बता पाए। चलिए कोई बात नहीं, बंद है तो हम लोग आगे चलते हैं। व्हाइट टाइगर। एक जाली का फासला है दोस्तों। है लेकिन अब आमने सामने जो देख रहे हैं तो एहसास हो रहा है कि देखिए देखिए
दोस्तों, अगर चिड़ियाघर में आपको ट्रेन की सवारी करनी है तो उसके लिए आपको यहाँ जगह से टिकट मिलेगा। बिल्कुल एंट्री पॉइंट पे ही आते ही आपको टिकट मिल जाएगा। 2 से 12 साल तक के बच्चों के लिए टिकट है 15 रुपये और उसके ऊपर वालों के लिए टिकट है 25 रुपये। जब कोई भी आपको ट्रेवल करना हो। हिरन दोस्तों, आपको सांपों से मिलाते हैं, आस्तीन वाले नहीं, असली वाले सांपों से। आइए। अजगर की पकड़। थोड़ा सैड लग रहा है, पता नहीं क्यों, शायद हमको देख के। लमसम 5 किलोमीटर के दायरे में फैला हुआ है, तो आप जब कभी भी यहाँ आए अच्छा सा खासा समय लेके आए यहाँ, क्योंकि जल्दी जल्दी यहाँ आप टहल घूम नहीं पाएंगे अगर आपको पूरा मजा लेना है तो। लमसम यहाँ आप अगर आए तो 3 से 3.5 घंटा समय लेके आए, ठीक है। आइए मेरे साथ रहिएगा कि जाइएगा नहीं, ठीक है। विंटेज ट्रेन कैसी लग रही है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। काफी अच्छी ट्रेन है, पूरा शॉट में आपको दिखाऊंगा अभी। दोस्तों 10 मिनट से खड़े हैं लेकिन भालू दिख नहीं रहा है, पता नहीं कहाँ है, नजर ही नहीं आ रहा है। कहाँ हो, 2 मिनट के लिए ही आ जाओ भाई। पहले आपने वो शावक देखे होंगे, वहाँ पे वो बाघ के बच्चे थे, लेकिन एक फुल फ्लेज्ड
मेल ये इधर है, एक उधर पीछे भी है, अगर वो दिखेगा तो मैं आपको उसको भी दिखवाऊंगा, ठीक है? आइए मेरे साथ चलिए। इसका शिकार अमूमन हर हिरण के हिसाब से इसका शिकार ज़्यादा होता है, शेर बाघ लकड़बग्घा जो भी इसके शिकार करना चाहे इसको आसानी से पकड़ लेते हैं। कारण उसका ये है कि जब शेर या बाघ जब आता है तो बंदर अलर्ट मारता है, लेकिन ये उसको नज़रअंदाज कर देता है। कारण कि जब तक ये अपनी आँखों से नहीं देखता तब तक ये सतर्क नहीं होता है, और जब तक आँखों से देखता है तब तक या तो इसका शिकार हो चुका होता है या चंगुल में ये फंस चुका होता है। ये थोड़ा सा अपने ऊपर भरोसा करते हैं, बाकी किसी पर नहीं। बोटिंग जरूर आनंद उठाएं, 70 रुपए में, चाहे 2 लोग बैठे चाहे 4 लोग बैठे, 70 रुपए प्रति बोट। पैरों में इतना दर्द हो गया चल चलते दोस्तों कि अब ना हिम्मत बची ना मन बचा बोटिंग करने का, लेकिन आप जरूर, आप जब कभी आए तो जरूर बोटिंग करें। आइए मछलियों से मिलते हैं।
ऐसा लग रहा है जैसे मछलियाँ सो रही हैं। तो दोस्तों आपको यहाँ के नज़ारे कैसे लगे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अब यहाँ से निकलना है क्योंकि पैर अब जवाब दे चुके हैं। उम्मीद है आपको यहाँ के नज़ारे अच्छे लगे होंगे। चलते हैं, फिर मुलाकात होगी जल्दी ही किसी नए लोकेशन पे किसी नए नज़ारों के साथ। बाय बाय।